अब बात करते हैं अगर तुम ना होते की। जी हाँ, यहाँ पर एक प्रेम त्रिकोण की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ तो बिचारी नियति जिसने सब कुछ त्याग दिया अभिमन्यु के लिए, लेकिन अभिमन्यु भाई जैसे ही आगमन हुआ शगुन का, पूरे धारावाहिक का माहौल अब शगुन सा हो गया। आप सब एक नर्स के लिए इतना स्ट्रेस ले रहे हो जैसे एक पता नहीं कहां की महारानी। She is just a nurse. तभी से बात करती हूँ। पत्नी है तेरी, पत्नी है तेरी। अभिमन्यु को देखिए, जब उसे ये बताया गया था कि नियति से तुम्हारी शादी हो चुकी है, इस बात का जब उसे पता चला तो उसे दौरा पड़ गया था मानो। और अभिमन्यु की हालत देखने के बाद घर वालों ने उसे कह दिया कि वो तो एक मजाक था जिसका सारा इल्जाम नियति ने अपने ऊपर ले लिया, और उसके बाद जो हुआ वो देख लीजिए। मतलब तुमने इस एक्सपेरिमेंट के लिए मुझसे झूठ बोलने के लिए मेरी पूरी फैमिली को मना लिया? एक बार के लिए तो मुझे लगा था कि तुम सच में मेरी पत्नी हो, क्योंकि ये बात मेरी माँ ने मुझसे कही थी। मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती, पर आज तुमने अपने फन के लिए आज मेरी माँ को भी झूठा बना दिया। मतलब वाह, के पास आकर उसे वो डांट रहा है, उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहा है। उसे लग रहा है कि नियति ने ये सब जानबूझकर किया। नियति उसके लिए इस सबसे बुरी लड़की है। मैं तो वैसे भी इसके अगेंस्ट थी कि अभिमन्यु को नहीं बताना कि मैंने नियति उसकी पत्नी है, क्योंकि पता नहीं उसे क्या साइड इफेक्ट हो, वो कैसे उसको रिएक्ट करे। क्योंकि अभी नियति के लिए ये बताना ज़रूरी नहीं है, अपना जो एक होता है, एक हक होता है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, ये उसके लिए ज़रूरी नहीं है। उसके लिए सिर्फ ये ज़रूरी है कि अभिमन्यु अच्छा रहे, उसकी हेल्थ अच्छी रहे, उसे कोई अटैक ना आए और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। जब नियति को वो खरी खोटी सुना रहा है, उस वक्त देखिए घर वालों को भी ये बात पसंद नहीं आ रही है, लेकिन वो अब कर भी क्या सकते हैं। अभिमन्यु के सामने सारा सच बताने की कोशिश की थी, उसका नतीजा क्या निकला वो सबके सामने था। इसीलिए अब वो जब तक अभिमन्यु ठीक नहीं हो जाता है ये सच छुपा कर रखेंगे कि नियति उसकी पत्नी है, और ये बात छुपाने में नियति भी अपने ससुराल वालों का साथ देगी। एज नियति मुझे ये विश्वास है कि जो मेरा प्यार है अभिमन्यु के लिए वो इतना सच्चा है कि कभी ना कभी अभिमन्यु को मेरे बारे में पता चल जाएगा और उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। तो वो कोशिश करती रहेगी और प्यार में बिलीव करती रहेगी, और उसे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। एज ए नर्स शी नोज वेरी वेल कि ये जो कि मेडिकल टर्म्स उसे मुझसे ज़्यादा पता है कि ये पार्शल मेमोरी लॉस हुआ है, और ये ज़्यादा टाइम का नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि काफ़ी टाइम तक भूला रहेगा। हम इसको अभी शॉक नहीं देते हैं कुछ भी ऐसी चीज़ बता के जो इसकी मेंटल हेल्थ को और अफेक्ट करे। सो वो भी जानती है कि मैं इसको धीरे धीरे जैसे ही ठीक होगा अपने आप मेमोरी आ जाएगी और वो मुझे जान जाएगा, और उसे पता है कि अभिमन्यु उससे कितना प्यार करता है। तो वो एक बस उसी सच के सारे ये सारा गेम कर रही है, वो विश्वास के सारे। खैर, अब नियति और अभिमन्यु की कहानी में एक तीसरा एंगल भी आ गया है, और उस तीसरे एंगल का नाम है शगुन, जिसे देखते ही पहली नजर में अभिमन्यु को प्यार हो जाएगा। और आगे अब कहानी में यही दिखाया जाएगा कि नियति के सामने वो कैसे इस शगुन पर लट्टू हुआ जाएगा। अब सच में नियति की किस्मत इतनी बुरी हो सकती है ऐसा किसी ने नहीं सोचा होगा। अब इस बहुरानी के लिए बहुत बड़ा टास्क है अपने प्यार और पति दोनों को हासिल करना। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।